नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सुबह मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है, तो अब तक दोस्तों 10 घंटे हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने जवाब भी दिया है और अभी भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि आधे से ज़्यादा % लोगों ने गलत आंसर दिया है और इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको उस प्रश्न का राइट आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो दोस्तों आप भी हमारे पोल में भाग ले सकते हो और उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों ऊपर यहाँ पर कम्युनिटी का, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों वो प्रश्न आपको मिल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन भी आ जाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। तो चलते हैं दोस्तों कम्युनिटी में और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, राजस्थान जीके का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते हैं किस किस को आता है। तो प्रश्न क्या था, अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में स्थित है, यानी दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 719 लोगों ने अब तक जवाब दिया है। ठीक है, 719 लोगों ने अब तक जवाब दिए हैं और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ज़िलों के नाम कौन कौन से। सबसे पहले बाड़मेर आप देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और नीचे दोस्तों राजसमंद है। एक बार फिर से दोस्तों हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि अरावली की पहाड़ियां सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में स्थित है, यानी अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में फैली हुई है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने 1% वोट बाड़मेर को दिया है, चित्तौड़गढ़ को 1% दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों 73% सिरोही को वोट दिया है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर उदयपुर को 24% और राजसमंद को 1% वोट मिला है। तो कुल मिला के दोस्तों सबसे ज़्यादा वोट सिरोही को मिला है, इसका मतलब इसका आंसर सिरोही है। तो देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर बाड़मेर तो नहीं है, डिलीट करते हैं इसको, और चित्तौड़गढ़ भी इसका आंसर नहीं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, और नीचे राजसमंद भी दोस्तों इसका आंसर नहीं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब दोस्तों दो ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, उदयपुर और सिरोही, इन दोनों में से दोस्तों एक आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या प्रश्न था कि अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में स्थित है, यानी फैली हुई है। देखिए दोस्तों चौंकाने वाली बात है कि 73% लोगों ने सिरोही को आंसर दिया है, माना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीधा आपको बताता हूँ दोस्तों, ये आंसर एकदम गलत है, सिरोही गलत आंसर है। 73% लोगों ने दोस्तों गलत आंसर दिया है, इसका दोस्तों राइट आंसर है उदयपुर। जो 24% लोगों ने आंसर दिया दोस्तों, एकदम राइट, एकदम 100% सही आंसर है उदयपुर। ठीक है, तो काफ़ी चौंकाने वाली बात दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, बिल्कुल इजी प्रश्न था कि अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चौंकाने वाली बात है कि 73% लोगों ने कहा कि सिरोही में सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एकदम गलत आंसर है सिरोही, इसका राइट आंसर क्या है उदयपुर। क्यों है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर ये प्रश्न होता कि अरावली की पहाड़ियों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई कौन से ज़िले में स्थित है, यानी अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता, सिरोही। क्योंकि दोस्तों सबसे ऊँची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर, कहाँ पर है, सिरोही में। दूसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, शेर, वो कहाँ पर है, सिरोही में। ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, सिरोही में, और नाम क्या है, देलवाड़ा। यानी शुरुआत की तीन सबसे ऊंची चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ सिरोही में स्थित है राजस्थान की, अरावली की। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या प्रश्न था कि अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में स्थित है या फैली हुई है, यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो दोस्तों इसका आंसर है उदयपुर, झीलों की नगरी। ठीक है, तो बड़ा अजीब लगा दोस्तों मेरे को भी, कुछ ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था कि 73% लोगों ने सिरोही को माना है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी विद्यार्थियों ने या काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने गलत आंसर दिया है। लेकिन दोस्तों ये पहला प्रश्न था जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने गलत आंसर दिया है, लेकिन दोस्तों अब तक इससे पहले सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, एक भी प्रश्न का गलत आंसर नहीं दिया, लेकिन दोस्तों ये पहला प्रश्न है जिसमें करीब 73% लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो आखिर में दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा राजस्थान के उदयपुर ज़िले में फैली हुई है। ठीक है,
और दोस्तों पूरा का पूरा उदयपुर शहर भी पहाड़ी पर स्थित है, चारों तरफ पहाड़ी वहाँ पर अरावली के, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों सबसे ऊंचे पर्वत सिरोही में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जो अरावली पर्वतमाला है वो उदयपुर ज़िले में फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या है लास्ट में, उदयपुर। 24% लोगों ने दोस्तों एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, आप दोस्तों बिल्कुल सोच समझकर उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।